जब आप सुबह पे उठोगे तो वही लोग है जो आपको बोलेंगे रात को निशुल्क है, वही लोग बोलेंगे कि मुझे चाय पानी का कुछ 10-20 रुपया दे दो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ अभी आगरा में और दोस्तों आज मुझे जाना मथुरा, जो कि यहाँ से करीब है 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो रास्ता है ये आपको लेके जाएगा दोस्तों ताजमहल के लिए। तो यहाँ से ताजमहल करीब है दोस्तों 500 मीटर की दूरी पर, और मुझे अब यहाँ से निकलना क्योंकि मुझे जाना मथुरा और मैं अभी यहाँ आगे से मांगूंगा लिफ्ट। तो दोस्तों ये है वो भैया जिन्होंने मुझे करीब, भैया कितना किलोमीटर का लिफ्ट दिया आपने? 3 किलोमीटर का लिफ्ट दिया दोस्तों, और भैया लाके मुझे हाईवे पे छोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर हाईवे है और भैया मथुरा का हाईवे है, और भैया नीचे लाके मुझे छोड़ दिए हैं। भैया आपका नाम? शाहिद अली। भैया का नाम शाहिद अली है। थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दिया उसके लिए। तो दोस्तों चलिए पहले मैं अभी जाऊंगा ब्रिज पे, और ब्रिज पे जाने के बाद दोस्तों मैं वहाँ से मांगूंगा लिफ्ट, क्योंकि नीचे से लिफ्ट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, और ऊपर ट्रक या कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनसे लिफ्ट मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो थैंक यू सो मच भैया। ओके। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ हाईवे पर, और ये हाईवे जाएगी दोस्तों आगरा से मथुरा के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि कल रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था आगरा में, और मेरे लिए अच्छा था कि दोस्तों मुझे मंदिर मिल गया था आज, जहाँ पे मैं आराम से सो पाया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। तो अगर मुझे कहीं छत नहीं मिला होता तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकता था। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से मांगना चालू करूँगा लिफ्ट। तो दोस्तों काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे आगरा से एक लंबी लिफ्ट मिली है, और ये लिफ्ट भैया ने दिया मुझे। भैया आपका नाम? पवन कुमार। भैया का नाम पवन कुमार है। भैया मुझे सीधे मुझे मथुरा के लिए लाए हैं, तो थैंक यू सो मच भैया। और आपने कितने किलोमीटर का लिफ्ट दिया मुझे? ये होगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। तो चलिए भैया ने मुझे करीब 60 किलोमीटर का लिफ्ट दिया। तो मैं यहाँ से अब निकलूँगा ऐसे जगह जहाँ पे कोई मंदिर हो। तो थैंक यू सो मच भैया। तो चलिए दोस्तों पहले मैं देखूँगा मथुरा में कोई मंदिर, और जो भैया बोल रहे थे कि भैया 60 किलोमीटर का दिए हैं, तो भैया 60 किलोमीटर का नहीं दिए हैं। मेरे हिसाब से भैया मुझे अराउंड 45 या 45-46 किलोमीटर का करीब भैया मुझे दिए हैं लिफ्ट, और मथुरा शायद यही रूट जाएगा दोस्तों ये ब्रिज के नीचे से। तो मैं अभी यहाँ से निकलूँगा मथुरा के लिए। दोस्तों आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा वृंदावन, यहाँ से करीब है 18 किलोमीटर, आप देख सकते हैं 18 किलोमीटर है वृंदावन, और श्री कृष्ण जन्म स्थान दोस्तों यहाँ से है 2 किलोमीटर। तो देखते हैं दोस्तों, पहले मैं देखूँगा कोई मंदिर जहाँ पे मैं अपना रात बिता सकूं, और नहीं मिला मंदिर दोस्तों तो कहीं ना कहीं और कोई जगह देखूंगा जहाँ पे मैं अपना कैंपिंग टेंट लगा सकूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मथुरा में मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से दोस्तों मैं आगे का कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ दोस्तों कि जो मैंने अपना रात बिताया वो बिताया एक रैन बसेरे में, और रैन बसेरा दोस्तों मैं बता देता हूँ कि मुझे कहाँ पर मिला। तो दोस्तों इस समय यूपी में लगभग हर एक बस स्टॉप पे दोस्तों रैन बसेरा बना दिया गया है, जिसकी वजह से दोस्तों आप किसी भी बस स्टॉप पे जाके आपको रैन बसेरा मिल जाएगा, आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो उसी तरह सेम दोस्तों वहाँ पे भी हुआ था मेरे साथ। मैं बस स्टॉप पे गया, मुझे पता था कि बस स्टॉप पर रैन बसेरा बना दिया गया है, तो मैं बस स्टॉप पर गया, और बस स्टॉप पर जाने के बाद मुझे रैन बसेरा मिला, और दोस्तों मैंने वहाँ पर बिताई अपनी रात। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, कहीं भी आप रैन बसेरे पे जाते हैं तो आपको सामने दिखाई देगा दोस्तों कि निशुल्क लिखा है कि आप यहाँ पे निशुल्क में रह सकते हैं, आप बिना पैसों के आप रात बिता सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा रहता है दोस्तों रैन बसेरे पर। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो लोग कुछ गलत करते हैं। जब आप सुबह पर उठोगे तो वही लोग है जो आपको बोलेंगे रात को निःशुल्क है, वही लोग बोलेंगे कि मुझे चाय पानी का कुछ 10-20 रुपया दे दूँ। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि आप रात को वही बोलते हो कि निःशुल्क है, लेकिन वही आप सुबह बोलोगे कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, 10-20 रुपया मुझे चाय पानी का दे दो, तो ये काफ़ी गलत होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि आप अच्छे से कहीं भी जाना रैन बसेरे में बात कर लेना, किसी को एक भी रुपया मत देना, क्योंकि रैन बसेरा निःशुल्क ही होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।